सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है, जो खोता है वो पाता है। भाई और बहनों, ये प्रकृति का नियम है कि जो खोता है वो पाता है। ये एक ज्ञान विषय है, ये दार्शनिक विषय है। सीधी सीधी भाषा में बात करें कि जो खोएगा वो पाया क्या, वो तो नुकसान में चला गया। तो फायदा तो तब होता है जब आदमी को कुछ मिलता है। ये बात द्रव्य रूप से है, ये बात भौतिक रूप से है, ये बात जड़ रूप से है, लेकिन दार्शनिक रूप से, चेतन रूप से, और जो है हम पारलौकिक बात करें तो जो खोता है वो पाता, ये सही है। और हम लौकिक बात करें तो ये उसकी विरुद्ध जाती है। तो भाई और बहनों, और कई कई बार सपोर्टिंग भी हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर खोने और पाने का क्या रहस्य है। खोने का अर्थ ये नहीं है कि आप धन दौलत खो जाओ, खो लो अपनी, और अपनी इज्जत को खो दो, और आपकी फैक्ट्री है, और आपका जो पद है, या आपकी जो प्रतिष्ठा है, या आपका जितना भी द्रव्य है, बैंक बैलेंस है, उसको खो दो, यानी वो घाटे में चला जावे, कोई लूट लेवे, या आप लूटा लो, तो आपने पाया क्या? आपने तो खोया ही है, क्या पाया है? लेकिन यहाँ जो हम बात दूसरी बात कहना चाहते हैं कि खोना क्या है और पाना क्या है, इस बात को, उस गहरी चीज को, गहरे रहस्य को आपको समझना है कि देखिए कि जो खोता है वो पाता है। खोना क्या है, यानी हमें किसको अलग करना है? हमें अज्ञान को अलग करना है, अज्ञान को खोना है। तो जो ही हमने अज्ञान को खोया तो पाया क्या ज्ञान? ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। उपयोग लक्षणों जीव, हमारा जो जीव है इसका लक्षण उपयोग है। उपयोग को ज्ञान और दर्शन कहा गया है। वास्तव में ज्ञान और दर्शन मिलकर के एक ही चीज होती है। दर्शन का मतलब कि पहले मैं आपको देख रहा हूँ, ये दर्शन है, और फिर देख करके मैंने जो है वो और गहरी जानकारी की कि आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं, आप किस परिवार से, ये ज्ञान है। तो ज्ञान और दर्शन दो किस लिए बताए गए हैं कि एक तो उत्पाद है और एक व्यय है। दोनों होते हैं तभी वस्तु का द्रव्य यानी अस्तित्व होता है। भगवान महावीर ने कहा कि जो है उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत। कोई भी वस्तु का अस्तित्व तब है कि वह उत्पन्न होती है और उसका विनाश होता है, लेकिन हर वस्तु उत्पन्न होने के और विनाश के साथ साथ में द्रव्य है। कैसे द्रव्य, मैं बताना चाहता हूँ कि एक महिला को बहुत लंबे समय से अपनी बैंगल्स पहन रही है, उसके मन में आया कुछ चेंज होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का मूड होता है थोड़ा, खाने में चेंज, पीने में चेंज, पहनने में चेंज, रहने में चेंज, थोड़ा चेंज चाहता है, उससे उसका मूड अच्छा हो जाता है। तो जब उसने ये सोचा कि इस बैंगल्स को जो है वो मैं सुनार के पास ले जा करके और इसको कुटवा करके और इसका नेकलेस बना दूँ, और बन गया। अब देखिए, नेकलेस तो हुआ उत्पाद और बैंगल्स हुआ व्यय। उत्पाद मतलब जन्मा बैंग जो है, नेकलेस जन्मा और मरा कौन? बैंगल्स मरी, व्यय हुआ बैंगल्स का। लेकिन बैंगल्स में भी सोना था और जो है आपके नेकलेस में भी सोना है, दोनों स्थितियों में सोना है। तो वो द्रव्य है, चाहे उसका कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, उसका बदलाव करते हो, उसका द्रव्य है, उसका जो अस्तित्व वो कभी नहीं जाता है। इसीलिए आत्मा कभी ज्ञान में जाती है, कभी दर्शन में जाती है, कभी दर्शन ज्ञान बनता है, फिर ज्ञान दर्शन बनता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है, तब आत्मा का अस्तित्व। इसीलिए ये ज्ञान दर्शन दोनों, क्योंकि वास्तव के अंदर आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही एक आत्मा है। तो आत्मा तक पहुंचने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन करने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, आत्मा निरीक्षण करने के लिए, आत्मा परीक्षण करने के लिए, और आत्मा को इस जेल से आज़ाद करने के लिए, यानी आत्मा को मुक्त करने के लिए, सिद्ध बुद्ध बनने के लिए जो है हमें खोना पड़ेगा अज्ञान को। और जो ही आपने अज्ञान खोया कि आप जो अपनी मूल स्थिति के अंदर हो ऑलरेडी, आपको करना कुछ नहीं है, आपको तो अज्ञान को फेंटना, अज्ञान एक पर्दा है,
जिस तरीके से हमारा जो सूरज होता है, और कई बार बरसात के दिनों में घना जो बादल आ जाते हैं, बादल से आच्छादित होकर के ऐसा लगता है कि रात हो गई, जबकि दोपहर का समय होता है, सूर्य आच्छादित होता है, उसी तरह से हमारी आत्मा पर पर्दे हैं। ये 8 तरह के पर्दे आए हुए हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतरा। इन पर्दों की जब छटनी करते हैं, ये बादलों रूपी पर्दे हैं, जब छटनी हो जाती है तो आत्मा जिस तरीके से सूर्य चमकता है, वैसी आत्मा भुवन भास्कर के रूप में 24 कैरेट के सोने के रूप में प्रतिष्ठित होकर के वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है, और सिद्ध शिला पर विराजमान करके भगवान बन करके और वहाँ पर विराजित हो जाती है। और इस शरीर में रहते रहते जब आत्मा का ज्ञान हट जाता है तो वो वीतराग बन जाता है, और वीतराग बनते ही वो अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त का मतलब होता है कि वो मिनिमम जो है, ये जो है एक समय जो कि हमारी आँख पलक झपकते हैं तो कई समय निकल जाते हैं, मैक्सिमम 48 मिनट के अंदर वह जो है वो भगवान अवश्य बन जाता है, वो केवल ज्ञानी बन जाता है, और केवल ज्ञानी बन करके इस शरीर के अंदर भगवान के स्वरूप में रहता है, फिर वो प्रवचन करते हैं, वो भगवान ही होता है, और आगे जब उनका आयुष्य समाप्त हो जाता है तो फिर वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके और जो मुक्ति को चले जाते हैं तो वो जो है मोक्ष को चले जाते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर खोने और पाने का अर्थ होता है कि आप जो अज्ञान को खो, अज्ञान क्या है, अज्ञान क्रोध, मान, माया, लोभ, अज्ञान है, राग द्वेष अज्ञान है। क्रोध और मान को कहें तो ये द्वेष है, और माया और लोभ को कहें तो ये राग है, दोनों मिलके राग द्वेष है, और एक शब्द कहें तो ये कषाय है, ये कर्म है, और ये जो है अष्ट स्पर्शी कर्म है, जो ये चतुस्पर्शी कर्म है, जो कि कार्मण शरीर, लिंग शरीर और कॉजल बॉडी के रूप के अंदर आत्मा से चिपके हुए हैं, ये जो ये गीता की भाषा के इनको संचित कर्म कहा जाता है, और जब ये पक जाते हैं तो ये उदय आता है, तो उदय प्रारब्ध और उसका जो उदय काल कहलाता है, और जब क्रियमाण कर्म वह होता है जो कि जिस वक्त के अंदर वर्तमान में किया जाता है, जिस समय में कोई एक्शन होता है, कोई भी कर्म अर्जित किए जाते हैं, वो क्रियमाण होते हैं।